हेलो स्टूडेंट्स, वी कंटिन्यू आवर सेल बायोलॉजी लेक्चर्स. लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, स्मूथ रफ गॉल्जी बॉडीज, लाइजोसोम्स, पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइजोसोम्स, दैट इज प्राइमरी लाइजोसोम, सेकेंडरी लाइजोसोम, रेजिडुअल बॉडीज, ऑटोफेगोसोम्स. नाउ वी आर कमिंग टू डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स. Here we will be particularly studying mitochondria, chloroplasts. Or for that matter, plastids. Both these organelles will be membrane, double membrane bound, having an outer covering and an inner covering. So let's get going. Mitochondria, they are powerhouse of the cell. The structure of mitochondria is like this. It has an outer membrane, an inner membrane projected like this. These projections are known as cristae. Here also they are shown, an outer membrane, inner membrane folded into it. These are the cristae. Now, on the cristae are present structures called auxosomes. This is the outer matrix, or what we call it as perimitochondrial space. This is the inner matrix. They are rod-shaped structures found in cytoplasm of all eukaryotic cells except RBCs. Because RBCs, when they are mature, they have nucleus, but when they immature, they have nucleus. When they mature up, the nucleus of RBCs and other cell organelles, they disappear. Rather, concavity comes, a depression comes in the RBCs, because the RBCs are to be jam-packed with hemoglobin. तो RBCs को hemoglobin में से इतना भर दिया कि nucleus, सारे cell organelles खत्म हो गए. तो as it is saying that all eukaryotes have mitochondria in their cytoplasm except for mammalian RBCs. They are powerhouse of the cell or storage battery. Why powerhouse of the cell? They'll produce ATP. ATP is energy currency of the cell. Full form is adenosine ट्राईफॉस्फेट. जब मैं इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल करता हूं, एटीपी बने कैसे, जस्ट गिव मी सम टाइम. ये एटीपी जैसे मनी इज करेंसी, कुछ भी खरीदना है पैसे की जरूरत है तो मनी इज करेंसी, रुपीस. उस तरह मैंने चलना है, मैंने सोचना है, मेरी मसल कंट्रैक्शन होनी है, मेरे सेल्स के अंदर कुछ रिएक्शंस चल रही हैं,
सो मोस्टली एनाबॉलिक रिएक्शंस जो है उनको एटीपी की जरूरत पड़ेगी. और ये एटीपी प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. कहाँ, कैसे, विल सी. इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वेयर इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टी. ये दिस इज क्रिस्टी, द इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन. दे आर स्टडेड विद ऑक्सीसोम्स वेयर एटीपी आर सिंथेसाइज्ड. ये बच्चों छोटे छोटे जो स्पॉट्स बना रहा हूं क्रिस्टी के ऊपर, दीज आर ऑक्सीसोम्स. बिकॉज विल सी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. तो वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीसोम्स पे आके कोई टर्मिनल ऑक्सीडेशन स्टेप देखेंगे, उधर जाके लगेगी. दे आर सेमी ऑटोनोमस. एक इवोल्यूशनरी व्यू है कि कभी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे, बट दे एंटर्ड इनटू द सेल एंड स्टार्टेड परमानेंटली लिविंग देयर. सेमी ऑटोनोमस मीन्स, फॉर एग्जांपल, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी मशीनरी है, अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स हैं, बट स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन द साइटोप्लाज्म फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स, फॉर अदर मिनरल्स, फॉर अदर एंजाइम्स. इनके अंदर भी एंजाइम्स हैं, तो दे आर टोटली नॉट इंडिपेंडेंट, बट दे आर सेमी इंडिपेंडेंट. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय सेमी ऑटोनोमस. सेमी ऑटोनोमस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए, राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आई टेल यू विल बी 70S एज इन प्रोकैरियोट्स. इट इज रिटन हियर, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स विच कंटेन 70S राइबोसोम्स एंड डीएनए. और इनमें डीएनए बैक्टीरिया जैसे नेकेड डीएनए होगा, जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं होगा. देन कम्स अ ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, एल्गी एंड सम प्रोटिस्ट्स. प्रोटिस्ट्स विच कैन अंडरगो फोटोसिंथेसिस. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग फूड. देर आर थ्री मेन टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट विच आर ग्रीन, दे विल सिंथेसाइज फूड दैट इज हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. क्रोमोप्लास्ट, सेब का रंग लाल होता है, ऑरेंज का ऑरेंज, ब्रिंजल का पर्पल. फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल होते हैं, कोई रेड है, कोई पिंक है, कोई डार्क मेरून है. ये सारे कलर पिगमेंट वाले प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. तो दे विल गिव कलर टू फ्लावर्स, सीड, लीव्स, बट अदर देन ग्रीन. फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट, दे विल स्टोर फूड. दे विल स्टोर फूड. हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा अमाइलोप्लास्ट. दे विल स्टोर स्टार्च. एल्यूरोप्लास्ट, दे विल स्टोर प्रोटीन्स. एलियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट,
एलुरोप्लास, देन एलियोप्लास, दे विल स्टोर फैट्स। तो ये तीन तरह के प्लास्टिड्स प्लांट सेल में मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट विल गिव कलर अदर देन ग्रीन टू फ्लावर सीड्स लीव्स, के वेरीगेटेड लीव्स होते हैं जैसे क्रॉटन है उसमें रेड पैचेस होते हैं, पर्पल पैचेस होते हैं। स्टोरेज के लिए ल्यूकोप्लास्ट। नाउ टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, क्लोरोप्लास्ट दे आर ग्रीन, दे विल कंटेन क्लोरोफिल विच इज द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, दे विल प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स। क्रोमोप्लास्ट दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स बट नॉट ग्रीन, दे प्रोवाइड कलर टू फ्लावर्स फ्रूट्स एटसेट्रा। ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स, आई ऑलरेडी मेंशनड, विच स्टोर स्टार्च अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन्स एलुरोप्लास्ट, ऑयल एलायोप्लास्ट। नाउ दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये ईच स्टैक इज नोन एज थायलाकॉइड, ऐसे। और कलेक्टिवली इनको ग्रैनम कहा जाता है, प्लूरल इज ग्रैना। इन स्टैक्स के इस पोर्शन को ल्यूमन कहते हैं, स्पेस। इनके ऊपर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पड़े होंगे विच आर नथिंग बट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। दिस इज द स्ट्रोमा, इनका भी एक आउटर मेम्ब्रेन है एक इनर मेम्ब्रेन है। So they are also double membrane structures. As I proceed further, I'll tell you on the granum part, something called light reactions of photosynthesis will occur. In stroma part, dark reactions of photosynthesis will occur. So as you go ahead in higher biology, लाइट रिएक्शंस का मेन एम है टू प्रोड्यूस एनर्जी कंपाउंड्स लाइक एटीपी एनएडीपीएच2। ये एनर्जी कंपाउंड्स डार्क रिएक्शंस में यूज होंगे टू प्रोड्यूस ग्लूकोस। So dark reaction is mainly responsible for producing glucose. पर एक बात शायद मैं गलत समझा रहा हूं, जो मैंने समझाया ऐसे लगता है कि light reactions light में होंगी, dark reactions dark में होंगी। नहीं, light reactions के लिए light जरूरी है, no doubt, but dark reactions they are independent of light। ये सुबह भी चलेंगी रात को भी चलेंगी, तो इनको लाइट की जरूरत नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि डार्क रिएक्शंस रात को होंगी। तो डार्क रिएक्शंस आर बेसिकली रिएक्शंस इन विच ग्लूकोज विल बी सिंथेसाइज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लोरोप्लास्ट, इट इज दिस शेप्ड सेल ऑर्गेनेली बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। विद इन इट स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट देर आर मेम्ब्रेन बाउंड structures called thylakoids which are stacked upon each other to form granum. Pleura is grana, pichli slide mein maine explain kiya. Grana contains chlorophyll, is site of light reactions of photosynthesis, whereas dark reaction takes place in stroma. To ye slide mein maine mention kiya hai ki
कि डार्क रिएक्शंस अकर इन स्ट्रोमा, लाइट रिएक्शंस इन ग्रेना. दे आर सेमी ऑटोनॉमस बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. तो इनके पास अपनी खुद की मशीनरी है टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ सेल बिकॉज विद इन दिस ग्रेना देर इज स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच गिव्स प्लांट देयर ग्रीन कलर एंड आर एबल टू ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूज इट फॉर फोटोसिंथेसिस. तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस विल स्टडी ग्रेजुअली. फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन द सेल ऑर्गेनेल्स. लेट्स नाउ सी हाउ मच वी हैव लर्नड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन फिगर. अब गिवन फिगर में इज करेक्ट फॉर द गिवन फिगर. पार्ट ए इज कॉल्ड स्ट्रोमा. दिस इज रॉन्ग. पार्ट ए इज द मेम्ब्रेन. पार्ट बी इज कॉल्ड ग्रेना. दिस इज रॉन्ग. बी स्ट्रोमा. ग्रेना तो ये है. पार्ट सी आर कॉल्ड फ्रेट्स. ये भी रॉन्ग है. ये थैलेकॉइड्स हैं. फ्रेट्स ये हैं जो दो ग्रेना को कनेक्ट करते हैं. बच्चों उनको फ्रेट्स कहते हैं. सो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है. तो ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट इज द राइट आंसर. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैं हमेशा एडवाइज करता हूं कि राइट चॉइस तो हमें पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी वी शुड नो सो दैट वी लर्न बायोलॉजी बाय अंडरस्टैंडिंग नॉट बाय क्रैमिंग. Refer to the given key and answer the following questions. P. Membrane surrounded vacuole. Q. Shells produced by folding of inner mitochondrial membrane. R. Stacks of membrane bound discs with chlorophyll. S. Develops between two adjacent cells. तो पहले तो मैं लिख देता हूँ. वो कहता है कि रेफर टू द गिवन की एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इनमें से क्यू क्या है? इनर फोल्ड्स ऑफ मेम्ब्रेन. क्रिस्टी. स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क विद क्लोरोफिल क्या है? ग्रैनम. डेवलप्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स. सेल जंक्शंस और प्लाज्मोडेस्मेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. क्रिस्टी ठीक है. मिडल लैमेला. प्लाज्मोडेस्मेटा भी हो सकता है. बट इट इज सेइंग कि ऐसे दो प्लांट सेल्स हैं ये प्लाज्मोडेस्मेटा से भी जुड़े हो सकते हैं या फिर एक मिडल लेयर होगी जिसको कहते हैं मिडल लमेला. तो दिस इज मिडल लमेला. एस इट इज आल्सो करेक्ट. आर इज ग्रेना. दिस इज आल्सो करेक्ट. डी प्लाज्मोडेस्मेटा. आई टोल्ड यू प्लाज्मोडेस्मेटा आर कनेक्शंस बिटवीन टू प्लांट सेल्स फ्रॉम वेयर थिंग्स कैन पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर. तो पी is a wrong statement. It is membrane surrounded vacuole. This is incorrect statement. The answer will be this D. Matrix of mitochondria contains DNA, 70S ribosomes, both A and B, enzyme required for photosynthesis. अरे यार mitochondria ने photosynthesis से क्या देना देना है? Mitochondria is mainly for respiration. वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन. सेमी ऑटोनॉमस बोला था. डीएनए है ये है
क्योंकि 70S राइबोसोम्स आर राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स होते हैं. तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी. विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर पार्ट कंटेन डीएनए? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें कोई डीएनए नहीं होगा, ये गॉल्जी बॉडीज हैं, इसमें कोई डीएनए नहीं होगा, ये सेल मेम्ब्रेन या वॉल है, इसमें कोई डीएनए नहीं होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है. तो ऑब्वियसली सेकंड में डीएनए होगा. ऑर्गेनेली विद इन एन ऑर्गेनेली, ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. ये माइटोकॉन्ड्रिया था, ये क्लोरोप्लास्ट था, डबल मेम्ब्रेन, इनके पास अपना डीएनए है, इसके पास भी अपना डीएनए है, और साथ ही इनके पास अपने राइबोसोम्स भी हैं. अब यू नो राइबोसोम्स आर सेल ऑर्गेनेलीज, तो ऑर्गेनेली विद इन एन ऑर्गेनेली, राइट आंसर विल बी राइबोसोम. एम आई क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. वन मोर क्वेश्चन, ऑर्गेनेली विद इन एन ऑर्गेनेली, दैट इज राइबोसोम.